मैं हूँ नीमराना में, नीमराना राजमहल रिसोर्ट में बैठी हुई हूँ और अब तक की मेरी जर्नी आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मेरी जर्नी शुरू हुई थी कल 11:30 बजे जब मैंने नोएडा से स्टार्ट किया था। हम अपनी खुद की कार से यहाँ आए हैं और अगर आप अपनी व्हीकल से आएंगे तो नीमराना तक आपकी जर्नी 2 hours 45 minutes के आसपास की होगी अगर आप नॉनस्टॉप ट्रैवल करते हैं, और अगर आप रुक के चलते हैं तो इट्स अप टू यू आप कितना टाइम बीच में रुक के यूज़ करेंगे। जब हम यहाँ आए हैं तो ऑलमोस्ट शाम हो गई थी। यहाँ की सर्विसेज अच्छी हैं, आपको सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। यहाँ 3 कैटेगरी के रूम हैं इस रिसोर्ट में। जो फर्स्ट कैटेगरी का है जिसमें आपको बिल्डिंग जैसे आम होटल्स होते हैं 4-star, उस तरह की सारी फैसिलिटीज आपको मिलने वाली हैं। यहाँ पे एसी है, वाईफाई है, स्टाफ बहुत पोलाइट है, बहुत हेल्पिंग है। यहाँ का जो रूम सर्विस नंबर आप डायल करेंगे सो आप डायरेक्टली मैनेजर से बात कर सकते हैं। इनफैक्ट मैनेजर इज ऑल्सो वेरी कोऑपरेटिव। सेकेंड कैटेगरी का जो रूम है, ये जो रूम्स हैं ये झोपड़ी के स्टाइल के बने हैं। तो बाहर से ये झोपड़ जैसे दिखते हैं बट अंदर से आपको फैसिलिटीज बिल्कुल वैसी ही मिलेंगी जैसे आपको बिल्डिंग में मिलती है। आप बाहर बैठेंगे इस रूम के तो जरूर आपको नेचर का आनंद मिलेगा जो मैं अभी उठा रही हूँ। अभी दोपहर का टाइम है, स्टिल आई एम एंजॉयिंग स्लाइट चिली सी विंड। थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा है, चारों तरफ ग्रीनरी है, डेको बहुत अच्छा किया है, फ्लावर्स हैं, प्लांट्स हैं, ग्रास है, चिड़ियां चूचू कर रही हैं और तितलियां मुझे दिख रही हैं। अगर आप ध्यान से सुने तो बैकग्राउंड में आपको बर्ड्स की भी आवाज आएगी। सो थोड़ा पीस ऑफ माइंड के लिए जगह बहुत अच्छी है। अगर आपको थोड़ा चेंज चाहिए रोज के भागदौड़ के माहौल से और काम से जहां आप थक गए हैं, सो ये वो जगह है जहां आप आके कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। मैं आज सुबह निकली हूँ नीमराना फोर्ट देखने के लिए और आगे जाके मैंने बावली भी देखी है। बावली जो है अभी वहाँ थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, 20-40 मजदूर थे, दो इट इज़ नॉट एक्सेसिबल, तो मैं बस बाहर से मैंने पिक्चर क्लिक करी और मैं आ गई। जो फोर्ट है, फोर्ट की एंट्री फीस है वीकडेज में 1700 rupees पर पर्सन, जहाँ उसमें आपको लंच फ्री होगा और जो टाइमिंग है वो 10 AM से लेके 3 PM के बीच की है। 3 PM के बाद आपको वहाँ वो जगह छोड़नी पड़ेगी अगर आप वहाँ स्टे नहीं करते हैं। सो अगर आप फोर्ट में जाते हैं तो आप 3 बजे से पहले अपना पूरा फोर्ट घूम लीजिए एंड मेक एन एग्जिट। अब मैं यहाँ बैठी हूँ और यहाँ स्विमिंग पूल की फैसिलिटी भी है, सो मेरा प्लान है और जिम भी है। रिगार्डिंग एक्सेसिबिलिटी व्हीलचेयर यूजर्स के लिए, सो ये सेमी एक्सेसिबल है आई वुड से। आप व्हीलचेयर यूजर्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होगी, आप बिना अटेंडेंट के यहाँ नहीं टाइम स्पेंड कर पाएंगे अच्छा। सो यू शुड हैव एन अटेंडेंट जो आपकी व्हीलचेयर को इधर उधर शिफ्ट कर सके। दो रैंप्स तो बने हैं बट सेंसिबल रैंप्स नहीं है यहाँ पे, उठाना पड़ेगा किसी को थोड़ा सा आगे। सो ये ट्रबल मुझे भी हो रही है। कुछ थर्ड कैटेगरी की जो मैंने आपको अभी बताई नहीं है रूम्स, थर्ड कैटेगरी के भी रूम्स हैं जिसमें थोड़ी सी और कम फैसिलिटीज होंगी। अभी जिस जगह पे मैं हूँ, जिस रूम में मैं हूँ, यहाँ वाईफाई नहीं है। वाईफाई सिर्फ बिल्डिंग वाले एरिया में मिलेगा आपको, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। आप अगर कुछ डिमांड करते हैं दे विल फुलफिल योर डिमांड। नाउ रिगार्डिंग फूड, खाने का क्या सिस्टम है यहाँ, बुफे चलता है आप ब्रेकफास्ट में भी, लंच में भी और डिनर में भी। हाँ अगर यहाँ पे लोग कम हैं सो उनकी जो वैरायटी होगी वो थोड़ी कम होगी, लेकिन बुफे में पर पर्सन का जो चार्ज है दैट इज 360 rupees पर पर्सन। और खाने का टेस्ट भी मुझे ठीक ठाक लगा, मतलब इट्स नॉट दैट मच स्पाइसी बट ठीक है। मतलब अगर आपको थोड़ा सिंपल खाना पसंद है तो यहाँ का अच्छा है। अगर आपको नहीं भी पसंद है तो आप रिसोर्ट से थोड़ा बाहर निकलिए, राइट साइड टर्न करिए एंड आपको बहुत सारे थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे रेस्टोरेंट मिलेंगे जहाँ आप अपनी मर्जी का खाना ऑर्डर करके खा सकते हैं। सो बोथ वेज इट इज गुड।
लाइकिंग दिस प्लेस. मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को भी लाइक कीजिए. टेक केयर, बाय.